नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि कई दिनों से मैं बता रहा हूँ आपको कि डेली चार्ट में निफ्टी बैंक में जब तक ये लो के नीचे लो मारा है तो उसके हाई का अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं होने वाला है। तो आज ये चार्ट में अच्छी तेजी आने की वजह से हमको पहली क्लोजिंग इसके ऊपर मिल चुकी है, ये टाइम एंगल अपवर्ड टाइम एंगल के ऊपर मिल चुकी है। अभी नेक्स्ट डे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेकेंड डे इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब सेकेंड कैंडल जो रहती है उसका हाई जो रहता है वो हाई क्रॉस होने के बाद ही हमको तेजी का कंफर्मेशन आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो कल का दिन जो है, कल का दिन का मूवमेंट जो है हाई लो, वो हमको दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। कल शायद रिजेक्शन कैंडल भी आ सकती है। रिजेक्शन कैंडल का मतलब ये है कि ओपन होके नीचे क्लोज दे देना, तो वो भी हो सकता है। तो हमको थोड़ा सा अलर्ट रह के काम करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में हमको ये पोजीशन है डेली के चार्ट में, तो कल के दिन के लिए हमको तैयार रहना है। हमको क्लोजिंग अच्छी मिली है आज की, जो क्लोजिंग है मतलब आज एक्चुअली बैंक निफ्टी करीबन 518 पॉइंट प्लस में बंद हो चुकी है, 42,642 का आज बंद हुआ है। तो हमको शायद 42,850 या 43,000 राउंड फिगर तक मूवमेंट जाने के बाद, राउंड फिगर जाने के बाद एक शायद सेलिंग की मूवमेंट आ सकती है, उसके लिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको अलर्ट रह के काम करना है, बस इतना ही मुझे सजेस्ट करना है। निफ्टी में, जैसे कि निफ्टी में अभी भी ये जो पोर्शन है, मतलब ये हाई का अपवर्ड एंगल जो है वो 18,100 के आसपास आ रहा है, और अभी मूवमेंट जो है 17,748 है। तो आज की क्लोजिंग जो है 119 पॉइंट प्लस ऊपर में बंद आ चुकी है, लेकिन अभी भी निफ्टी में थोड़ा सा फासला लंबा है। अगर हम हाई से डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो भी एंगल अब तक क्रॉस नहीं हुआ है। एक मिनट, में बैंक निफ्टी में डाउनवर्ड एंगल क्रॉस हुआ है क्या, वो मैं चेक करता हूँ। नहीं, बैंक निफ्टी में भी डाउनवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ है। तो हमको ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर एक मिनट, 43,000 का जो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो हमको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। वहाँ से अगर कुछ मूवमेंट ऊपर की साइड में आती है तो हमको एक अच्छा बाय मिलने का चांसेस है। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी 18,100 के ऊपर अगर हमको मूवमेंट आ जाएगी तो ही हमको अच्छा बाय होने का चांसेस है। तो डाउनवर्ड एंगल जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा 17,900 में, और अपवर्ड एंगल जो है 18,100 के आसपास है। तो ये मैंने जो सर्कल बताया हुआ है वो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। तो आपको कॉशियसली ट्रेड करना है, बस इतना ही मुझे सजेस्ट करना है। कल के दिन के लिए, अगर आज के दिन का अगर हम लोग मूवमेंट देखते हैं निफ्टी बैंक में इंट्राडे में, अगर आप देखते हैं तो ये जो इसके पहले जो हाई बना था प्रीवियस, ये हाई से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो उसके ऊपर ही ये मूवमेंट ओपन हो गई। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये लो के नीचे ये लो मारा है तो अपवर्ड एंगल जो है ये हाई का, ये क्रॉस हो जाएगा तो ही हमको बाय का सिग्नल जनरेट होने वाला है। तो एक अच्छा बाय का सिग्नल एक्चुअली यहाँ पे जनरेट हुआ है, जो मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ दे सकता है इंट्राडे में। और देखा जाएगा तो ओपनिंग का जो मोमेंट था वो बहुत अच्छा डाउनवर्ड एंगल के ऊपर ही ओपन हुआ, तो उसके लिए ये यहाँ पे ही एक सपोर्ट ले लिया और यहाँ से सपोर्ट लेके ये बाय हो गया। तो आपको अगर बाय का काम करना है तो हमको ये प्लेस बहुत जरूरी, मतलब अच्छा एक प्लेस था बाय करने का। इसके बाद इसने एक अच्छी मूवमेंट दे दी, और इंट्राडे में जैसे ही ये आज के हाई के ऊपर का अपवर्ड एंगल क्रॉस हो गया वैसे ही उसने अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दिया। तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जब तक अभी कल के लिए बैंक निफ्टी में 41,490 जब तक टूटा नहीं तब तक हमको सेल का मूवमेंट आने वाला नहीं है। 41,190 जो है ये पॉइंट जब तक टूटता नहीं तब तक
आज का जो डाउनवर्ड एंगल है लो का, वो जब तक टूटा नहीं तब तक हमको सेलिंग दिखने वाली नहीं है। तो मोमेंटम जो है 41,190 के नीचे सेल होएगा। इंट्राडे में भले 490 के नीचे थोड़ा सा सेलिंग का मोमेंट दिखेगा, नीचे की लेवल में 41,000 और 770 सपोर्ट के तौर पे रहेंगे। ऊपर की तरफ 760 के ऊपर बाय आ जाएगा। 760 मतलब ये जो है, यहाँ से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं, सॉरी इसका अपवर्ड एंगल डालते हैं, तो वो हमको बाय दिखेगा। 42,850, 43,000 और 43,300, 43,000 और 43,300, ये 300 पॉइंट का गैप जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैप रहेगा। क्योंकि ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट मैंने यहाँ से निकाले हैं, जैसे कि पीछे गैप से बंद हुआ था और गैप से खुला था और दूसरे दिन गैप से खुला था। तो ये जो गैप हुई थी, ये गैप यहाँ से अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो 43,000 आ रहा है, और यहाँ से अगर डाले तो 43,300 आ रहा है। तो ये जो गैप है, ये गैप में शायद हमको फ्लरिश मूवमेंट भी दिख सकती है, या तो एक अच्छा रेजिस्टेंस भी दिख सकता है। तो ये गैप थोड़ा सा हमको संभाल के काम करना है, बस इतना ही। निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो इंट्राडे में निफ्टी में आज ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो एक्चुअली देखा जाएगा तो अगर ये लो के नीचे ये लो मारा है तो एक्चुअली देखा जाएगा तो निफ्टी ने यहाँ पे एक थोड़ा सा इंट्राडे के हिसाब से बाय दिया था, लेकिन यहाँ पे अभी एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रही है। इसके ऊपर 820 के ऊपर एक अच्छा बाय आ जाएगा, ये बाय अबाउ दिस, गुड बाय मूवमेंट, इसके ऊपर एक अच्छा बाय की मूवमेंट आ जाएगी और हम लोग वो ऊपर की मूवमेंट जो है 900 और 18,050 तक कर ली जा सकती है। नीचे के साइड में 16,670 के नीचे इंट्राडे सेल होएगा और 590 एक सपोर्ट के तौर पे रहेगा। आज निफ्टी में आप देखेंगे तो जैसे कि ये ओपन में यहाँ पे आ गया, नीचे की साइड में ढकेल दिया, जैसे ही ओपनिंग का बार आ गया उसके बाद नीचे की साइड ढकेल दिया, और बाद में उसका जो लो बना था उसका डाउनवर्ड एंगल, ये नीचे डाउनवर्ड एंगल पे सपोर्ट ले लिया। डाउनवर्ड एंगल पे जैसे ही यहाँ पे एक हैमर बन के ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू हो गई तो यहाँ पे एक अच्छा बाय सिग्नल जनरेट हुआ। अगर हम देखते हैं ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है तो हमको यहाँ पे भी एक अच्छा बाय सिग्नल जनरेट हुआ। यहाँ पे नहीं करेंगे समझो, हम लोग इसको अब अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट दिखी, और यहाँ से 16,676 से हमको करीबन 70-80 पॉइंट की ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल गई। तो ऑल एंड ऑल मैंने जैसे कि वीकली फाइल में कहा है कि वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, वैसे वोलेटिलिटी बढ़ रही है। सेलर का भी मूवमेंट आएगा, आप थोड़ा सा संभल के काम कीजिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।